लॉगिन करा mumbaitak.in वर। भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। 51 टन पॉप सीड जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है। 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्यों NDPS का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? के महाराष्ट्र के JNPT पोर्ट पर 3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है। हम जवाब चाहते हैं DRI से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्यों NDPS का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। चाहे मुंदड़ा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी जाए, NIA के बाद जांच चली जाए, धंधे बस्ते में चली जाए, पिछले 10-12 दिन पहले एक केस आया था ड्रग का, वो भी 8 दिन के बाद उजागर हुआ। आज 51 टन पॉप सीड वहां पड़ी है, उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा खेल ड्रग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाया जा रहा है। ड्रग पूरी तरह से खत्म हो, हम साथ में लोगों के हैं, लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा, जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे, प्राइवेट आर्मी बना के उगाही करेंगे, ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे, तो हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। लॉगिन करा mumbaitak.in वर।